हेलो स्टूडेंट, मैं मुना कुमार आपका चैनल केएल स्टडी पर मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज मैथ का पांचवा दिन है जिसमें से पहला क्लास निकल चुका है मैथ के न्यूमेरिकल का और ये दूसरा है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल मैं लेता हूं, यदि कॉट कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5 है तो कॉस थीटा का मान निकाले। यहाँ ऑप्शन 4 है, ठीक है, तो ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिटेक्निक के सवाल है, थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें आप अगुताइएगा नहीं, भागिएगा नहीं, समझ के जाइएगा। देखिए, कोई आप सोचिएगा कि कोई आसानी से बन जाए तो इंजीनियर बनने जा रहे हैं बाबू, आसानी से कोई चीजें नहीं मिलती, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको 3 साल टाइम देना है, तो यहाँ 5 मिनट और 10 मिनट टाइम देने में आपको क्या जा रहा है, इसलिए आपको जाने से पहले थोड़ा सा रुकना होना होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5 है, ठीक है। तो यहां देखो, अब इसको बदल लो, कॉस थीटा आप प्लस साइन थीटा बराबर, यहां पर प्लस 1/sin θ बराबर 5 हो जाएगा। लघुतम लोगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1/5। चलिए अब इसको क्या करिए, इधर भेज दीजिए, तो कॉस थीटा प्लस 1/5 sin θ, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 2 कॉस थीटा बराबर 25 sin²θ, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1 + 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 25 × 1 - cos²θ, ठीक है। अब इधर करोगे क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा, तो 25 - 25 cos θ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको, इस सबको उधर लेके चलो, सबको लेके चलो, चलो सबको लेके, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा इसको अभी इधर रहने दो, इसको 1 को इधर भेज दो और इसको पूरा कर ले चलो उधर, ठीक है। तो +2 cos θ - 25 - 25 + हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे cos²θ, और ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 25 - 1, अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 25 है बाबू, तो 25 + 1 = 26, तो 26 cos²θ और +2 cos θ बराबर 12, ठीक है, सॉरी 24, यहां से 2 कॉमन ले लो तो 13 cos²θ +cos θ बराबर 24, 12 से 2 कटोगे तो 12 आ जाएगा, 13 cos²θ +cos θ बराबर 12, इधर लाओगे 13 cos²θ +cos θ -12 = 0, cos मान लिया, मान लो तो क्या हो जाएगा, cos²θ बराबर, सॉरी cos बराबर x, यहाँ हो जाएगा 13x² +12x, सॉरी यहाँ सीधा x हो जाएगा, अब -12x, ये दोनों के गुना करोगे तो उसके अनुसार इसको तोड़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़ो कितना, 13x² +13x - 12x - 12, ठीक है,
ऐसे कर लोगे बराबर जीरो, ठीक है। तो एक बार देखो यहाँ पे 13x कॉमन ले सकते हो, तो x प्लस वन, यहाँ से 12 माइनस 12 कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा x माइनस वन बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये थोड़ा सा तो यहाँ पे क्या कर लोगे, 13x-12 और x-1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखोगे, यहाँ तो थोड़ा सा जगह इसी में मैं करता हूँ, देख लेना हो जाएगा इतना में। तो 13x-12 इतना 12 हो सकता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12/13, और ये एक्स माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वन है तो हो जाएगा जीरो है यहाँ पे, तो एक्स बराबर वन अर्थात कॉस एक्स बराबर 12/13 और वन, दो हिसाब इसके ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि आपका 12/13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, ठीक है। आपका 12/13 जो आया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन ऐसे ही हिसाब वहां पे एग्जाम में आते हैं, एक बार लॉन्ग पढ़ लोगे तो आपको सॉल्व करने आसानी हो जाएगा। जब मैं इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर इसका जब मैं लास्ट में जब इसका फॉर्म भरा जाएगा तब फिर इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा पूरा बढ़िया से, तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मेरा दो वीडियो अपलोड हो रहा है अभी, सुबह में 5:30-6:30 मैथ का केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड हो रहा है, और शाम में 5:30 मैथ का अपलोड जो अभी हो रहा है 5:30 में होता है, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो आप कंटिन्यू पढ़िए और रेगुलर आइए बाबू, आप रेगुलर चैनल पर आओगे रोज रोज आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, देखिएगा यहाँ पे दिया, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो कॉस थीटा 3 cos θ - 4 cos3θ के मान कितना होगा, ठीक है। तो आप पहले इसको लिख लो, साइन थीटा बराबर 1/√2, ठीक है। तो इसका मान आप इसको जब इसमें कॉस है तो आपको बी चाहिए, तो बी का मान हो जाएगा √3/2, ठीक है, बस नहीं बटा, हाँ बस √3 आ जाएगा बी का मान, ठीक है, इतना आ जाएगा √3, समझ आ रहा ना। चलिए तो इसको कैसे किया हमने, तो देखिए ऐसे करना है, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है सवाल में, इसको सुधार लेते हैं, यहाँ दो है बाबू ये मिसिंग है थोड़ा सा, हाँ। अब चलिए यहाँ पे कैसे किया हमने, तो अभी निकालने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, 4 square - 1 square, तो सॉरी 3 square - 2 square, तो 4 आ जाएगा 1, तो रूट अंदर 3 आ जाएगा, तो 3 का योग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आ गया हमारा बी का मान 3, तो ये आ तो आ गया मेरा। चलो अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे है 3 cos θ - 4 cos3θ, चलो तो 3, और यहाँ पे हमने बी का मान लाया है कितना √3, अब बटा में कितना 2 पहले से यहाँ पे सवाल, यहाँ एस का मान हमारा तो ऑलरेडी यहाँ से 2 है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 और √3/2, ठीक है। तो 3√3/2 क्या हो जाएगा, 4 × 3√2/8, तो 8 से 8 खत्म हो, 4 × 8 तो आ जाएगा 3√3/2, आई हो जाएगा 3√3/2, तो बराबर आ गया, कट गया, आया 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है, तो देखिए 3 नंबर सवाल है ये, नंबर 3 सवाल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज बाबू, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो चैनल को और सपोर्ट करो थोड़ा,
आपका लाइव आकर आपके प्रॉब्लम सुनूंगा और आपको पॉलिटेक्निक तक एकदम कंप्लीट करके भेजूंगा बाबू, और जितना लोग पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन करवा दूंगा इस सब पॉलिटेक्निक में बाबू, 110%। ठीक है, हर साल मेरा अच्छा रिजल्ट रहा है, हर साल का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है मेरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सवाल गजब का है सवाल बाबू, देखो यहाँ सबके ऑप्शन दे रखा है। देखो सवाल देखो और उसको सोचो, पहले खुद से वीडियो पोस्ट करो और हल करो, फिर आप देखो नहीं हल होता है तो फिर देखो, है कि नहीं, हल करो, देखो पढ़ो, पढ़ोगे तब तो सीखोगे, है कि नहीं, नहीं ऐसे ही भाग जाओगे, देख के भाग जाओगे तो कैसे सीखोगे, और इंजीनियर कैसे बनोगे, इंजीनियर किसी काम को छोड़ के नहीं भागता, पूरा करता है तब जाके भागता है, आधा पे से कोई नहीं भागता। ठीक है, इंजीनियर बनने आए हो बाबू, ठीक है, यहाँ पे देखो इंजीनियर भागता नहीं है, पहले याद रखो sec स्क्वायर sec के पावर 4 थीटा प्लस 8 बराबर 10 sec स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब इसको करिए क्या, चलो अब इसको करना क्या है, tan के फॉर्म में क्या एक है, ये कर लो। चलो अब यहाँ पे करो क्या, sec स्क्वायर sec का पावर 4 है थीटा, आप पल इसको भेजो उधर, तो हो जाएगा माइनस 10 एक्स, आइए हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, सॉरी यहाँ सेक है, सॉरी सेक स्क्वायर है, ठीक है, आप प्लस 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया कि sec स्क्वायर बराबर x, मान लीजिए यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ x का मान रख दीजिए, x का मान रख दीजिए यहाँ पे 10x और प्लस 8 बराबर 0, ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करिए, गुणनखंड कर लीजिए, 8 3 24 होता है, तो x 6x माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0, कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा ना, इसका गुणनखंड कर दिए, यहाँ पे कॉमन ले लिए, कॉमन ले गया इस तरह से, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3 तथा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब चलिए अब मान रखते हैं क्या कि जाने x बराबर क्या होता है, जैसे tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या, रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी ऐसे होता है 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, tan बराबर, तो यहाँ पे इसका मान रखोगे, sec का मान कितना रखे हैं हम लोग, चलो sec का मान हम लोग रखे हैं x रखे हैं। ठीक है, x sec स्क्वायर का मान कितना है बाबू, यहाँ पे x रखे हो, x रख दो 1, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो 4/3 -1 पूर्णांक दोगे तो 4 -3/4 घटेगा तो 1/3, ये हो जाएगा 1/√3 तथा यहाँ पे वो है, तो tan का मान निकालना है बाबू, tan थीटा के रूट एक्स माइनस 1 है, तो x का एगो मान कितना आया है 2 - 1, तो क्या आ जाएगा 1 का 1 का स्क्वायर, tan थीटा का दोनों मान आ गया, एगो 1 √3, यहाँ ऑप्शन नंबर इसको टिक कर लो b को। ठीक है, एगो 1 आया 1/√3 आया, तो यहाँ पे एगो 1 है 1/√3 है। हाँ देखो, तुक्का मत लाओ, पहले सीखो पढ़ो फिर बनाओ। ठीक है, इस तरह से तुक्का लड़ाओगे कभी सक्सेस नहीं होगे, कभी तुक्का तुम्हारा गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो जाए, पहले सीखो फिर उसका ट्रिक सोचो,
शॉर्टकट कभी भी नहीं जाना चाहिए, शॉर्टकट आपको जल्दी भूल पर आपके दिमाग से उतर जाता है, लेकिन एक बार जब आप मेहनत करके सीख लेते हो तो हमेशा आपके लिए रहता है और आपके दिमाग में अवेलेबल रहता है। इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, पूरा लॉन्ग कट जाओ, पूरा सीखो। अब यहां देखोगे चौथा नंबर सवाल है बाबू, चार नंबर सवाल है ये, पहला sec स्क्वायर थीटा बराबर 2 + 2 tan थीटा है, तो tan थीटा का मान निकाले, ठीक है। ऐसे सवाल है, मस्त सवाल है बाबू, इसका ऑप्शन दे रखे हैं। देखो सवाल देखकर भागो नहीं, सवाल देखकर वीडियो को रोको, पहले बनाओ, फिर नहीं बनता तो पूरा देखो, फिर नोट करो इसको और फिर इसका रिवाइज करो, ठीक है। बेगर रिवाइज को कभी तुम सक्सेस नहीं हो सकता है, इसलिए रिवाइज करो, ठीक है, वीडियो रोक के। यहां देखो पहले यहां सोल्व करते इसको, देखो sec स्क्वायर थीटा मान बराबर 2 + 2 tan थीटा है ना, इतना है, इतना बराबर है, तो ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले इसको बदलते हैं, तो sec थीटा का क्या होता है 1 + tan² थीटा बराबर 2 + 2 tan थीटा। अब सबको ले चलो उधर, ले चलो 1 + tan² थीटा - 2 - से हो जाएगा ये भी 2 tan थीटा अब बराबर 1। अब करो क्या कि इसमें से कोई माइनस हो जाएगा, तो tan² थीटा - 2 tan थीटा अब -1 अब बराबर 0। मान लो एक बार, मान लिया x = tan थीटा, मान लिया x = tan थीटा, तो x² - 2 2x - 1 = 0। अब इसको द्विघात बहुपद से बना लो, द्विघात बहुपद से बनाओगे तो x बराबर क्या होता है -b + √_d/, तो b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, क्योंकि मैंने d डायरेक्ट निकाला नहीं, डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे 2a, ये तो होता है ना। चलो यहाँ पे डी का मान -2 है, तो 2 + 2 हो जाएगा +√_, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4-, ठीक है, -, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो --+4 अब बटा 2 × 1। अरे बाबू देखो 1 × -1 करोगे ना तो क्या हो जाएगा, -± नहीं हो जाएगा, ये -± हो जाएगा ना। इस चीज को हम एक बार डायरेक्ट लिख दिया, पहले फिर लिखते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो क्या करें, पहले माइनस प्लस हो गया तो 4 क्या हो जाएगा 8, आप बटा कितना 2। चलो 2 + √2 आप बटा 2, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 2 √+ यहाँ पे कॉमन ले तो 1 + -√_2 आप बटा 2, तो 2 से 2 खत्म, तो हो जाएगा x + क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे देख लो एक बार 1 + 2 ऑप्शन में एक ही चीज है ना, तो एक ही चीज लो, ये प्लस वाला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया ना, चल ठीक है। अब सवाल नंबर 5 मस्त सवाल है ये भी, कह रहा है √_1 + cos θ / 1 - cos θ का मान निकाले, इसका मान क्या होगा यही निकालना है, मस्त सवाल है बाबू, तुक्का नहीं लड़ाओगे, बस यहाँ देखो वीडियो को पोस्ट करो फिर बनाओ, नहीं होता तब वीडियो देखो, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, मैं यहाँ पे लिख दिया 1 + cos θ / 1 - cos θ लिखा, अब इसको ऊपर नीचे इतना से गुना कर दे, इसके पर में करण कर देते हैं, तो 1 + cos θ / 1 + cos θ√_, ठीक है। अब इससे तो ये ऊपर वाला हट जाएगा, तो 1 + कभी बच गया cos θ, नीचे में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 रह जाएगा और cos का cos²θ, कोई दिक्कत नहीं हो, दिक्कत क्या हो सकता है, जब हम हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 + cos θ / इसका √_ हो जाएगा sin θ, ठीक है, sin²θ, ठीक है, तो 1 + cos θ / sin θ,
तो हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका होता है कॉसेक थीटा और प्लस इसका कॉट थीटा। ये ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन देख लो सही है। समझ में आया ना, समझ में आया ना बाबू, समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर समझ में नहीं आया, मैं आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बाबू, चैनल छोड़कर भागोगे नहीं, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए छह नंबर सवाल है बाबू, मस्त सवाल है। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वन बाई टू रूट टू है, तो फोर साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा के मान निकालना है, ठीक है। तो आसान है बाबू, देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो कॉस थीटा सोल्व करो यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वन बाई रूट टू, देखो दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, इधर भी वर्ग करो इधर भी वर्ग कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वन बाई टू। चलो इतना का मान तो वन होता है, तुम भी जानते हो, सूत्र में मैं पढ़ाया था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वन बाई टू। अब वन को इधर भेजो, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वन बाई माइनस वन, तो हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा वन बाई टू। घटेगा इसमें से तो देख लो, दो में से मतलब दो में एक, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा। अब इसके दोनों तरफ दो से गुना कर दो, दोनों तरफ दो से गुना कर दो, ना चार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर दो से दो खत्म, तो माइनस वन। यानी कि इतना का मान पूछा गया था आपसे कि फोर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के मान कितना आया, तो फोर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के मान कितना आया, माइनस वन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आया। सात नंबर सवाल है, कह रहा है कि कॉट थीटा के बराबर है, तो कॉट थीटा किसके बराबर है, इसमें ऑप्शन नंबर आप ऑप्शन में दे रखा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन इसके ये हिसाब ऑप्शन से ही बनेगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। इसको देखिए मैं सोल्व करके देखा था, इतना आता है कि नहीं आता, देखो। तो कॉसेक थीटा इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा, इसका हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म, और इसका वन बाई साइन थीटा लिख सकते हो, आई हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, तो इतना बराबर आता है कभी कॉट थीटा, आपने पढ़ा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन से बनाते हैं इसको। देखिएगा आठ नंबर सवाल और मेरी ओर से लास्ट सवाल है, अब इसका अगला वीडियो अगले बार बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लास्ट सवाल है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, और बटा में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन है का मान निकालना है। अब ऑप्शन नंबर यहाँ दे रखा है, तो पहले इसको सोल्व करिए, ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और वन का मान अभी पढ़े हैं, वन का मान अभी पढ़े हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है कि नहीं होता, पढ़े हैं सूत्र में भी हम पढ़ाए हैं, आप पढ़े होंगे तो जरूर आपको याद होगा, ठीक है। नहीं होगा तो वीडियो रिवीजन कर लीजिए पीछे जाके, टेन थीटा और माइनस सेक थीटा, ठीक है, अब प्लस वन, इसको भी घेर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे ये तो हो गया, तो टेन थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस, अब इतना का हो तो लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा कोस्ट में इंटू, यहां से लिख सकते हो टेन थीटा सॉरी टेन थीटा है ना पहले, और कोई बात नहीं, इसको एक बदल के एक बार लिख लो बाबू, टेन के हिसाब से टेन थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेन थीटा
माइनस ठीक है हाँ देख टेन थीटा सॉरी यहां पे सेक है ठीक है प्लस वालों का आप कैसे भी लिख सकते हो माइनस वाला भी थोड़ा सा झंझट होता है ये थोड़ा सा इधर देखते हैं प्लस वालों के कैसा हूं लिख सकते हो माइनस वाला भी थोड़ा सा झोल होता है इसलिए माइनस में अगर टेन है यहाँ पे तो हम इसको माइनस में ही टेन रखेंगे प्लस में नहीं कर सकते हैं बाबू यहाँ टेन थीटा सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ थोड़ा सा माइनस के चलते झोल हुआ है मैं ऊपर चेंज कर सकता था क्योंकि अब बढ़ गया तो आगे तो क्या चेंज करें देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन चलिए यहाँ से आप इसको कॉमन कर सकते हैं तो वन तो कॉमन हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है तो सेक थीटा कॉमन हो जाएगा इतना कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया वन वन बच गया चलिए अब वन हो गया यहाँ ये बच गया तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस ही प्लस हो जाएगा तो टेन प्लस हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो गया ना प्लस माइनस हो जाएगा जब माइनस से गुणा करेंगे तब अब बटा में है पहले से टेन थीटा आप प्लस आगे कर देते हैं प्लस वन है तो आगे कर दिए आप माइनस सेक थीटा है तो माइनस सेक थीटा चलिए इतना से खत्म हो गया बच गया टेन थीटा आप प्लस सेक थीटा ठीक है इतना बच गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है ऑप्शन नंबर ए में आंसर आपका है देखो यहाँ आपको माइनस लेके कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि माइनस से जब जैसे ही इसको गुणा करो तो ये प्लस जो है माइनस जाएगा माइनस जो प्लस हो जाएगा ठीक है और कॉमन ले लिए हैं ठीक है तो आशा करता है कि आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो जाते जाते बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में।